हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर वॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल की कुछ प्रोफेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स को जानेंगे, जिसे जानने के बाद फ्रेंड्स आप एमएस एक्सेल को पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा स्मार्ट वे में यूज़ कर पाएंगे। अगर आप फ्रेंड्स एकदम बिगनर लेवल से आप शुरुआत कर रहे हैं एमएस एक्सेल को सीखना, तो फ्रेंड्स ये ट्रिक जो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिए, आप और भी अच्छे तरीके से एमएस एक्सेल को यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ट्रिक की साइड हम चलते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर कुछ रेंडम सा डेटा जो है मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं अगर इसे कॉपी करना चाहूँ तो जनरली होता क्या है फ्रेंड्स, हम इसको सिलेक्ट करेंगे जितना मेरे को डेटा कॉपी करना है, कंट्रोल सी करूंगा और जहां पे भी मुझे पेस्ट करना है वहां पे मैं जाके कंट्रोल वी कर दूंगा। तो फ्रेंड्स ये जो तरीका है ना, बहुत पुराना तरीका है और ये एक प्रोफेशनल वे, यानी एक अच्छे तरीके से अगर आप इसको कॉपी करेंगे ना तो एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। अगर आप इसको एक प्रोफेशनल वे में कॉपी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि मेरे को एक पूरा डेटा यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है, तो आपको क्या करना है, पहले उतने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप अपने माउस को देखिए यहाँ पे ले जाएंगे तो आपको ना यहाँ पे प्लस का साइन देखने को मिलेगा, तब जब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे। देखिए मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस कर दिया, प्लस का साइन यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको यहाँ से मूव कर सकता हूँ, मुझे मान लीजिए डेटा यहाँ पे रख देना है, तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने डेटा रख दिया है और ईजिली जो है कॉपी हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा यहाँ से कहीं और कॉपी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दोबारा से कंट्रोल प्रेस कीजिए, यहाँ पे आप माउस को मूव कीजिए और जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं डेटा कॉपी वहाँ पे आप डेटा कॉपी कर लीजिए। अब मैं यहाँ से जाता हूँ कि ये डेटा जो है यहाँ से मैं इसको यहाँ कॉपी करूँ, तो यहाँ कॉपी कर सकता हूँ। तो देखिए कितने स्मार्ट वे में हमने डेटा को कॉपी कर लिया। तो एक प्रोफेशनल वे में है, आप इस टेक्निक का यूज़ कीजिए डेटा को कॉपी करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की साइड। ये ट्रिक फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिक है। आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास नेम की लिस्ट है, ठीक है। अब मैंने इस लिस्ट को यहाँ पे फर्स्ट नेम में, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड लास्ट नेम में, जो हमारा सेकंड नेम होता है लास्ट नेम, यहाँ पे शॉर्ट करना है। तो जनरली होगा क्या, जैसे यहाँ पे लिखा है संजय सिंह, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले संजय और यहाँ पे लिखूंगा सिंह, या तो यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, इस वाले से लास्ट नेम हटा दूंगा और लास्ट नेम वाले में जो पेस्ट करूंगा उसमें से फर्स्ट नेम हटा दूंगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। तो अगर हम इसे शॉर्ट टाइम में, बहुत कम टाइम में एकदम ही चाहते हैं कि शॉर्ट हो जाए, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको डेटा सेलेक्ट करना है, ठीक है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या कर लेना है, इसको कॉपी कर लेना है। तो उसको हम कॉपी कर लेते हैं, पहले तो एक फर्स्ट नेम में डाल दिया मैंने, अब एक यहाँ से मैं इसको सेकंड नेम में, यानी लास्ट नेम में जो है डाल देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि तीनों जगह जो है सेम डेटा मेरे पास अवेलेबल है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट नेम में मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, तो फर्स्ट नेम वाली सेल को मैं सभी को सिलेक्ट कर लूँगा जहाँ से जहाँ तक मुझे शॉर्ट करना है। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एफ प्रेस कर देना है आपको, रिप्लेस में जाना है और यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेरे को फर्स्ट नेम शॉर्ट करना है। तो फर्स्ट नेम पर मैंने दिया स्पेस, फिर लगा दिया स्टार और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रिप्लेस ऑल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल डन, वी मेड 10 रिप्लेसमेंट्स, तो ओके कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसने फर्स्ट नेम को शॉर्ट कर दिया है। अब ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट नेम है, तो लास्ट नेम का आपको सिलेक्ट कर देना है, कंट्रोल एफ करना है। और अब आपको क्या करना है, पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट नेम को शॉर्ट किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, लास्ट नेम को शॉर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एस्ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं, तो स्टार जो है हमें रिप्रेजेंट करता है ऑल को, पहले वाले में हमने स्पेस देके ऑल किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले टाइम पे ऑल कर देंगे और स्पेस दे देंगे, ठीक है, और इसको क्या क्या कर देंगे, हम यहाँ से रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ऑल डन, वी मेड 10 रिप्लेसमेंट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम को शॉर्ट कर दिया और यहाँ पे हमने लास्ट नेम को शॉर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है अगर कभी शॉर्टिंग करनी हो सिंगल सेल की हेल्प से, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। काफ़ी एक स्मार्ट तरीका है इस तरीके से आपको शॉर्ट करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है, आपके पास कोई भी रैंडम डेटा हो सकता है। तो इस ट्रिक को आप एकदम थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आप सभी के लिए होने वाली है। मान लीजिए कि मेरे को यहाँ से इसे कॉपी करना है संडे को, फिर यहाँ से मुझे वेडनेसडे को कॉपी करना है, तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, पहले इसको कॉपी करूँगा, फिर यहाँ पेस्ट करूँगा, फिर यहाँ कॉपी करूँगा, फिर यहाँ पेस्ट करूँगा। ये भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ट्रिक है,
अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे जो है आप एकदम ही कॉपी कर लेंगे और आपको डेटा अरेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। तो आपको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। फिलहाल तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे डेटा कॉपी करना है, मेरे को पहले वाला कॉपी करना है, इसको मैंने कंट्रोल सी कर दिया। उसके बाद मेरे को ये फोर्थ नंबर वाला कॉपी करना है, तो मैंने यहाँ से कंट्रोल सी कर दिया। अब मुझे यहाँ से सेवन्थ वाला कॉपी करना है, मैंने यहाँ से कंट्रोल सी कर दिया। अब आप देख सकते हैं मेरे पास तीनों डेटा जो है यहाँ पे आ चुका है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप इसको चाहते हो कि ऑटोमेटिक अरेंज हो जाए, तो आप यहाँ पे पेस्ट ऑल कर दीजिए, पूरा डेटा जो है ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे अरेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सिंगल सिंगल पेस्ट करवाना, तो आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए अभी मैं संडे पेस्ट करा रहा हूँ, ठीक है, इस वाली सेल में मैं सैटरडे पेस्ट कराना है, तो अपनी नीड के हिसाब से आप यहाँ से डायरेक्टली पेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। एक तो ये टेक्निक थी, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लियर ऑल। अगर आप MS Excel को विंडोज 10 के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप इसको और भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये डेटा मुझे किसी और एप्लीकेशन में कॉपी करना है, तो कंट्रोल सी तो मैंने किया हुआ है, तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे नोट पैड को ओपन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नोट पैड को ओपन कर लिया। अब इस डेटा को मुझे कॉपी करना है, तो कॉपी तो मैंने कर रखा है और वहाँ से मैंने क्लिपबोर्ड भी क्लियर कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँ, तो आपको क्या करना है, विंडोज़ के साथ वी को प्रेस करना है, तो यहाँ पे विंडोज़ का क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये वाला जो क्लिपबोर्ड है फ्रेंड्स, ये विंडोज़ का है, याद रखना ये एक्सेल का नहीं है। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, तो देखिए इसने इसे यहाँ से पेस्ट कर दिया। अब मान लीजिए कि मैं इसको पेस्ट करना चाहूँ, तो इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे पेस्ट कर लिया। आप ऐसे ही यहाँ पे नहीं, किसी भी एप्लीकेशन में डायरेक्टली इस क्लिपबोर्ड का जो है यूज़ कर सकते हैं, अगर आप विंडोज़ 10 को यूज़ कर रहे हैं। तो एक एडिशनल टिप जो है इसके साथ मैंने आपको दे दी, क्लिपबोर्ड की एक्सेल के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप इस पे क्लिपबोर्ड पे आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप विंडोज़ 10 से पुराने वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की साइड। तो नेक्स्ट ट्रिक में क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपके पास ये सिंगल ब्लैंक शीट है और आप यहाँ पे कोई डेटा एंट्री करने वाले हैं और आप चाहते हैं कि इस शीट का डेटा जो है सेकेंड शीट में ऑटोमेटिक कॉपी हो जाए, तो आप कैसे करेंगे। तो फर्स्टली तो क्या तरीका है फ्रेंड्स, एक मैन्युअली तरीका है कि आप यहाँ से इसको कॉपी कीजिए, सेकंड शीट में जाके डेटा पेस्ट कर दीजिए। और अगर ऑटोमेटिक कराना चाहते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले तो जैसे आपको क्या करना है, उस शीट को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप डेटा एंट्री करेंगे, फिर आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करना है और उसके बाद जिस शीट में आप कॉपी करना चाहते हैं उस शीट को आप सिलेक्ट कीजिए। मैं अपने केस में शीट 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए अभी दोनों शीट्स जो है ग्रुप हो गई है। अब मैं यहाँ पर कोई डेटा की एंट्री करता हूँ, मैंने लिखा हेलो, मैंने लिख दिया मिस्टर बॉट। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो एंट्री कर दी है। अब अगर मैं शीट 2 पे जाऊँ तो देखिए शीट 2 में भी सेम एंट्री है और शीट 1 में भी सेम एंट्री है, यानी जो मैं यहाँ पे डेटा एंट्री कर रहा हूँ वो शीट 2 में ऑटोमेटिक कॉपी हो जा रहा है। अगर आपको इन दोनों को अनग्रुप करना है तो आप रेंडमली किसी भी शीट पर क्लिक कर दीजिए, तो देखिए अनग्रुप हो गया है शीट 1 भी और शीट 2 भी। अब अगर मैं शीट 1 में यहाँ पे कोई डेटा जो है कॉपी करता हूँ, यानी एंट्री करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा लिखा, तो देखिए शीट 2 में कॉपी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अभी इस टाइम अनग्रुप है। अगर आप ग्रुप करके करेंगे तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप डेटा को ऑटोमेटिक किसी भी शीट के अंदर कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट ट्रिक की साइड चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा डेटा है और उस फाइल को जो है किसी और ने आपको जो है भेजा है। आप अगर चाहते हैं कि देखना कि उसने कौन कौन से फॉर्मूले का यूज़ किया है, तो वो भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं। ऐसा नहीं किया आप पहले इस सेल पे क्लिक करेंगे फिर फॉर्मूला देखेंगे, अच्छा ऐसे इसने यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ किया है, यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ किया। तो काफ़ी बेकार टेक्निक है, बेकार क्या मैं तो बोलूँगा कि यानी इस तरीके से एक प्रोफेशनल वे में अच्छी बात नहीं है कि आप यहाँ से बार बार जाओ और देखो। आपके पास सिंपल सा शॉर्टकट है, आपको क्या करना है अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करना है और टिल्डे की को प्रेस कर देना है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने फॉर्मूला शो हो जाएगा, ठीक है, आप कौन सी सेल से कौन सी सेल में डेटा को आपने क्या फॉर्मूला आपने यहाँ पर यूज़ किया है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे मेरे को कलर के साथ रिप्रेजेंट करेगा, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छे से हो जाए कि यहाँ पे इस शीट के अंदर कौन सा फॉर्मूला कहाँ कैसे यूज़ किया गया है। और जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे इसने मेरे को बता दिया कि आपने यहाँ पे इसका टोटल सम जी है किया हुआ है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। वापस से अगर आप बैक करना चाहते हैं तो कंट्रोल टिल्डे दोबारा प्रेस कीजिए, तो ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में
आ जाएगा। एक तो फ्रेंड्स आपके पास ये ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि ये देखना चाहते हैं कि आपके सभी सेल्स में से कौन से सेल में फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, तो वो क्या चेक करना है, तो आप कैसे चेक करेंगे। तो एक तो आपके पास ये तरीका है, आप पूरी शीट पे आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरी शीट पे नहीं, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कुछ ही पोर्शन में मैं चेक करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतना डेटा मैं चेक करना चाहता हूँ, तो आपको डेटा को जो है यहाँ से कर देना है सिलेक्ट, और इसके बाद जो है फ्रेंड्स सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, आपको जो है अपने कीबोर्ड से जो है F5 को प्रेस करना है, लेकिन ध्यान रखना सबसे पहले आपको डेटा को सिलेक्ट करना है और उसके बाद F5 प्रेस कर देना है। तो देखिए यहाँ पे गो टू पे आ जाएंगे, आपको यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक कर देना है, फॉर्मूला पे क्लिक करना है, लॉजिकल और एरर्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसने इस सिलेक्शन को ले लिया है, यानी कि जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, जितना डेटा मैंने सिलेक्ट किया था उसमें से इन सेल्स के अंदर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। अब अगर आप इसको यहाँ से कलर वगैरह देना चाहें तो कलर भी दे सकते हैं, जिससे कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ कि इसके अंदर मैंने जो है यहाँ पे फॉर्मूलेज को यूज़ किया हुआ है। तो देखिए काफ़ी अच्छी टेक्निक है और स्मार्ट वे में आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की साइड। तो नेक्स्ट ट्रिक में क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप जिस एक्सेल शीट के अंदर काम कर रहे हैं, ये डेटा शीट कहाँ पे सेव है अगर आपको मान लीजिए पता नहीं है, अगर आप चेक करना चाहते तो कैसे करेंगे, या फिर आप जो है प्रिंट आउट के टाइम पे इस पाथ को जो है यहाँ पे प्रिंट आउट कराना चाहते हैं, तब आप कैसे करवाएंगे। मान लीजिए आपको अपनी फ़ाइल जो है किसी को देनी है और उसको पता हो कि आपके कंप्यूटर में फ़ाइल कहाँ पड़ी है, तब ये काफ़ी ईजी हो जाता है अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करेंगे। तो इस टेक्निक का कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, इक्वल टू लिखना है सेल। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको पाथ को, यानी जो हमने हमारी जो फाइल का लोकेशन है उसको इसके अंदर प्रिंट करवाना है। तो इसके अंदर प्रिंट करवाने के लिए आपके पास सिंपली सी आपको फाइल नेम दिखेगा, देखिए यहाँ पे फाइल नेम सेलेक्ट कर लेना है और इसको क्या कर देना है, एंटर कर देना है। तो देखिए मैजिक आपके सामने डेटा आ चुका है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए सी ड्राइव में यूज़र मिस्टर बॉट के अंदर डेस्कटॉप पे ये demo.xlsx इस नाम से फाइल बनी हुई है, यानी ये मेरी एक्सेल फाइल है। और इस टाइम मैं प्रेजेंट किस शीट में हूँ, जो शीट नंबर है मेरा एक्स्ट्रास, ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। और मैं आपको दिखा दूँ, देखिए डेस्कटॉप पे ये फाइल जो है पड़ी हुई है। तो इस तरीके से जो है आप पाथ को जो है डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप इस टेक्निक का यूज़ करते हैं ऑफिस में। तो कल होके मान लीजिए आप जॉब छोड़ देते हैं वहाँ से, और पुरानी कोई फाइल अगर कोई चेक करता है तो हार्ड कॉपी में उसको पता चल जाएगा कि आपने फाइल को कहाँ सेव किया था। तो काफ़ी अच्छी टेक्निक है, इस टेक्निक का यूज़ जो है आपको करना चाहिए। अब करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्रिक की साइड। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है शोइंग आर्गुमेंट्स। हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए कुछ फॉर्मूलेज को यूज़ करते हैं और हमें पता लगाना हो कि उसके आर्गुमेंट्स क्या हैं, तो जनरली होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। और वी लुकअप करने के बाद यहाँ पे देखिए ये इसके रेफरेंस जो है आर्गुमेंट्स जो मेरे को शो हो रहा है कि मेरे को यहाँ से लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करनी है, फिर टेबल एरे सेलेक्ट करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो ये सारे जो है मेरे को डेटा जो है यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वी लुकअप लिखा और आपको क्या करना है, अब कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसने यहाँ पे जो है इसको प्रिंट कर दिया है। अब जो है आप इसको डायरेक्टली यहाँ से कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। इस टेक्निक के थ्रू जो है आप अपने फॉर्मूले को डायरेक्टली उसके जो वो भी आर्गुमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे प्रिंट करवा के देख सकते हैं, और चाहे तो कहीं और काम भी कर सकते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल है ये ट्रिक, आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट ट्रिक की साइड चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक में क्या है फ्रेंड्स, है तो ये बहुत सिंपल सी टेक्निक लेकिन बहुत ज़्यादा काम की है। इसमें थोड़ा से मल्टीपल वे में हम इसको यूज़ करके देखेंगे। मेरे पास देखिए यहाँ पे एक मैंने टर्मिनल ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैं dir कमांड से मैं चाहता हूँ कि इस कमांड का जो आउटपुट है मेरे पास यहाँ पे शो हो जाए स्क्रीनशॉट में। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, मैं इंसर्ट में गया तो इंसर्ट में आपके पास स्क्रीनशॉट के बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले तो एक ये वाला ऑप्शन है,
आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी स्क्रीन होगी उसको एक कैप्चर कर लेगा। ठीक है, एक तो आपके पास ये वाला ऑप्शन है, इसको मैं फिलहाल कर देता हूँ डिलीट। और सेकंड ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट पे आप क्लिक करेंगे स्क्रीन क्लिपिंग का। अब देखिए ये ऑटोमेटिक जो है डाउन हो जाएगी विंडो, और आप जहाँ से जो भी स्क्रीन क्लिप करना चाहते हैं उतना आप सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये स्क्रीन आ गई है। ठीक है, ये जेपीईजी फाइल में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। तो इस तरीके से जो है अगर मैं इसका आउटपुट प्रिंट कराना चाहूँ तो फ्रेंड्स ऐसे प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये वाली सेल है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, यानी इसी एक्सेल शीट के अंदर से यानी स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, तब मैं क्या करूँगा, ऐसे में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, पहले इसका स्निपिंग टूल से स्निप करते हैं, फिर इंसर्ट में जाते हैं, इमेज पे क्लिक करके इसको जो है यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, जो कि फ्रेंड्स बहुत गलत मेथड है, इस टेक्निक को यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आती तो चलो अच्छी बात, अपना काम करने के लिए यूज़ कर लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में अगर आपको यूज़ करना है तब क्या करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और मोर कमांड्स पे आपको क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे कैमरा ऑप्शन का यूज़ करेंगे, आपको यहाँ पे ऑल कमांड्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कैमरा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, तो कैमरा हमें मिलेगा सी में। ये देखिए हमारे पास कैमरा का ऑप्शन यहाँ पे अब मिल जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे कैमरे को सेलेक्ट करूँगा, ऐड पे क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे कैमरा मेरा ऐड हो चुका है और यहाँ पे मैं कर दूँगा ओके। अब देखिए फ्रेंड्स होगा क्या, यहाँ पे कैमरे का एक साइन मेरे पास आ चुका है, मैंने इस सेल को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कैमरे पे बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। तो देखिए अब ये जो है मेरे पास डेटा जो है कॉपी हो चुका है, कॉपी यानी इसका स्क्रीनशॉट मेरे पास आ चुका है। तो आप देख सकते हैं ये डेटा मेरे पास स्क्रीनशॉट वाला आ चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन दोनों में फ़र्क क्या है ये बता देता हूँ, ये जो है एक जेपेग फाइल है, ये एक यहाँ पे एडिटेबल फाइल है। अगर मैं यहाँ पे कुछ एडिट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे और तरीके से जो है एडिट कर सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकता। क्योंकि फ्रेंड्स ये एक जेपेग फाइल है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं जो भी चेंजेस करूँगा उसका इफेक्ट यहाँ पे मेरे को देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अंदर मैं डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि एक मल्टीपल पर्पस वे से जो है मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से जो है आप स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रोफेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स थी एक्सेल की, जो कि मैंने आज आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करी। आप सभी को इन सभी ट्रिक्स में से कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको समझ में कुछ ट्रिक नहीं आई है तो फ्रेंड्स वो भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आप सभी की पूरी हेल्प करूंगा। और आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, मेरा वहाँ पे यूज़र नेम है ऑफिशियल मिस्टर बॉट। अगर आप चाहे तो वहाँ पे कोई मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।